जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था वहां पे, तो देखे थे राम जी के पास क्या शक्ति नहीं थी, ऐसे एक बार छू देते सही हो जाता, लेकिन राम जी तो सोचे थे कि एक सही कर देता, लेकिन फिर एक बार वो सोचे कि ना हम जब नहीं रहेंगे यहाँ तो ये जो छोटका मोटका बहुते ऐसा साधु घूमने लगेगा, इसे छू छू ठीक करने लगेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जा संजीवनी लेके आओ, वरना आपको क्या लगता है दो मिनट में ना ठीक कर देते। ये वो कह रही थी कि हमारा 5 गो डिवोर्स हो गया है, छठवा होने वाला है, आप बचा लीजिए। हम क्या, हम क्या बचाएंगे रे भाई तोरा। प्रॉब्लम्स का ना पार्ट ऑफ लाइफ, उससे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ सीखिए। पार्ट ऑफ लाइफ तो होता ही है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। लाइफ का दूसरा ही नाम सोचो प्रॉब्लम है, पर्यायवाची मार सकते हैं, जिंदगी का पर्यायवाची समस्या दोनों, जब आखिरी से समस्या समाधान, जब एक बार चल जाएंगे यहां से तब सब समाधान हो जाएगा, अंतिम संस्कार। आगे बढ़ जाए, मेकअप भी संस्कार में आता है क्या? सत्रहवा संस्कार बना रहा है, मेकअप को संस्कार में जोड़ रहा है कदा कहीं का। भगवान श्री राम के बारे में बचपन से लेके और जब तक उन्होंने लंका दहन न कर दिया, वहां फिर वापस वहां से आए, और जितनी कहानियां थी ये सब, रावण को मारे थे, दशहरा हो गया, रावण को मारने के दिन ना, जिस दिन मारे उस दिन क्या हुआ लौट के जब आए उस दिन क्या हो गया दीपावली हो गया। तो दो प्रमुख त्यौहार राम जी से ही रिलेटेड, और बाकी ये तो होलिका दहन वगैरह तो देखे थे, तो होलिका जो थी उसको तो वरदान मिला था, जलवे नहीं करेंगे खुदे जल के, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म से लेके और पूरे अंतम पूरी कहानियों की चर्चा इन्हीं 7 प्रकार के किसमें है, कांड में है, जिसमें सबसे प्रमुख कांड कौन सा सुंदर। अब राम जी के बारे में तो सारी चीजें पहले से फिक्स थी, रामायण ये जो था आपका रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, शनि और यमराज को बंदी बना लिया था वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बहुत ज्ञानी बलशाली सब कुछ था उसके पास, बट वो थोड़ा अहंकारी था, तो उसको खुद ही श्राप मिला था कि भगवान के हाथ से मरोगे तब जाके तुमको क्या मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। तो देखिए भगवान जो थे, ये कहानी अगर आप इस धार्मिक चीजों को देखेगा तो इससे बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा और त्याग की भावना आपको सीखने को मिलेगी। राम जी के जीवन में अगर कठिनाई नहीं आती, अगर उनको वनवास नहीं होता, तो राम जी एक राजा रह जाते। वो कब आए थे, एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने, जब वो राजशाही जीवन को क्षणिक भर समय नहीं लिए, जैसे उनके पिताजी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुरंत उन्होंने क्या कर दिया, अपना राजपाट छोड़ दिया। तो जब तक आपके जीवन में कठिनाई ना आएगी ना बाबू, तब तक आपका जीवन नहीं निखरने वाला है। यहां हम देखते हैं कि थोड़ा सा लड़का सबको कुछ होता है तो सोचता है कि सर बहुत ही दिक्कत है। अरे जो राजा थे जी, राम जी राजा थे, उन्होंने जीवन का हर धर्मों में देखिएगा आपको सहनशीलता सिखाई जाती है। राम जी राजा थे कि नहीं राजा थे, वहां पर ईसा मसीह को सूली पर टांग दिया सब कि नहीं टांग दिया सब कम दे। मोहम्मद साहब को एक समय था जब मजदूरी कर रहे थे तो खाना नहीं था, तो पेट में इसे बांध के, पेट बांध के, क्योंकि भूख लगा रहता है तो पेट बांध के मजदूरी कर रहे थे। क्या दिखाता है, आप त्याग सीखिए, धर्म आपको त्याग सहनशीलता कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाता है, ना कि मार धार करना सिखाता है। ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो धर्म को ज्यादा बदनाम करके रखे, समझ आएगी ना, किसी भी मजहब में देखे ना, वो आपको सहनशीलता ही सिखा रहा होता है। अब रामायण में भी अगर आप देखिएगा तो कई सारी चीजें आपको भी सिखाई जाती है। वहां जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था वहां पे, तो देखे थे राम जी के पास क्या शक्ति नहीं थी, ऐसे एक बार छू देते सही हो जाता, लेकिन राम जी तो सोचे थे कि एक सही कर देता, लेकिन फिर एक बार वो सोचे कि ना हम जब नहीं रहेंगे यहाँ तो ये जो छोटका मोटका बहुते ऐसा साधु घूमने लगेगा, इसे छू छू ठीक करने लगेगा, इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भेजा, जा संजीवनी लेके आओ, वरना आपको क्या लगता है दो मिनट में ना ठीक कर देते। तो सोचिए हमेशा ये दिखाता है कि आप दूरदर्शी रहिए, आज का फायदा नहीं दूर का घाटा सोचिए। उनको तो पता ही था ज्यादा दिक्कत होगा, इमरजेंसी होगा तो ठीक कर देंगे, लेकिन अभी भेजते हैं हमें। आज के समय में देखिए, पहले एम्बुलेंस का जरूरत है, वो एक सांकेतिक रूप से है कि नहीं है, कि आपको अगर जरूरत पड़ता है, बीमार पड़ते हैं तो ज्यादा इधर उधर मत जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, संजीवनी ब्यूटी दवा को बताता है। हनुमान जी एम्बुलेंस का काम किए थे उस समय इमरजेंसी में, अब ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस, बट एक जरूरत का समय सांकेतिक था वहां पे। ये सारी चीजों की थी काफी
गहनता से उस चीजों को देखिएगा। तो वैसे अब महाभारत में देखेंगे तो महाभारत में भी खंड है, तो महाभारत के लेसन को पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व। इसमें कितने पर्व है? 18 पर्व। समझिए महाभारत कितने लेसन है? 18। इस 18 लेसन में सबसे महत्वपूर्ण लेसन भीष्म। इस भीष्म पर्व में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देख टेंशन उन्शन मत लियो, हम साथ में है, हमको पता है तुम कौन से नहीं बलशाली हो, मने मन बोले कौन इतना नहीं बलशाली हो, नहीं तो फिर हम है ना जीत जाएंगे। अर्जुन को लग रहा था हम ही जीत गए, होशियार बन रहे थे यहाँ पर। कर्ण जीत, कर्ण से जीत पाता कोई? कर्ण कौन? नहीं। आगे बढ़े तो देखिए भीष्म पर्व का ही नाम क्या है? भागवत गीता। भीष्म पर्व का नाम क्या है? भागवत। अब कोई इतना तो बोलता ही नहीं है भागवत गीता, भागवत गीता। शॉर्टकट में लोग सीधे क्या बोलते थे? गीता। क्या बोलते थे? गीता। तो गीता और कुरान ये सब चीजों पे अदालतों में क्या खिलाया जाता है? कसम खिलाया जाता है। ओकरो खा के झूठ बोलने वाला है सब इस पृथ्वी पर। तो गीता का किसका हिस्सा है? महाभारत। तो महाभारत एक बड़ी मोटी किताब होगी, उस मोटी किताब का जो सबसे मुख्य हिस्सा है वो भीष्म पर्व है, उसी का नाम क्या है? गीता या भगवत गीता। गीता या भगवत गीता, समझा गया कि नहीं? क्या जिसमें मुख्य रूप से अर्जुन को कौन समझा रहे? कृष्ण भगवान समझा रहे हैं वहां पर। अर्जुन टेंशन ही आ गया था लास्ट में, सामने गुरुजी है कैसे मारेंगे ये वो दुनिया भर का। आगे बढ़ जाएं। ये वो कह रही थी कि हमारा 5 गो डिवोर्स हो गया है, 6वां होने वाला है, आप बचा लीजिए। हम क्या, हम क्या बचाएंगे रे भाई? तो रहे ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं, हम और डर जाते हैं शादी ब्याह को लेके। बताओ वो बदन पैसा था कि उसका 5 गो डिवोर्स हो गया था और उसके बाद 6वां होने वाला, और उसका क्या कहना था ना? आप डीएम को फोन कीजिए कि वो डिवोर्स रुकवा दे मेरा। हम के वाह भाई तुम्हारा दिमाग कहाँ है? अजब महिला थी, महिला थी, महिला थी, 5 डिवोर्स हो गया था। हम कहे कि भाई तुमरे में कोई दिक्कत है? कहे कि बताइए आप कैसे कह सकते हैं हमारे में दिक्कत है? हम कहे तब वो 5ों में दिक्कत होगा। हम कहें कि एकरा से कौन लड़ेगा भाई? 5 गो को अभी भाई डिवोर्स बहुत लास्ट स्टेज होता है, समझा कि नहीं? क्या और डिवोर्स 90% डिवोर्स जो होता है ना केवल जुबान की वजह से हो जाता है, तुम मेरे लिए किया क्या है, तो छोड़ देता है। ये सब चीज जहर वाली बात नहीं बोलना चाहिए, तोरा से तो अच्छा पहलका था। आप ध्यान देते हैं।